प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे लेखांकन अनुपात के बारे में। लेखांकन अनुपात के अंतर्गत जो है, पूर्व में हमने लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत जो है सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, संचालन अनुपात और व्यय अनुपात के बारे में जाना था। तो जैसा कि लेखांकन अनुपात को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात। यहां पर जो है लाभदायक अनुपात जो है, लाभदायकता अनुपात जो है, वो हमें संस्था की लाभदायकता की क्षमता को प्रकट करता था, जिसमें हम सकल लाभ क्षमता और शुद्ध लाभ क्षमता, साथ ही संचालन क्षमता और यहाँ पर व्यय क्षमता अनुपात जो है वो यहाँ हमने पूर्व में ज्ञात किया था। अब दूसरा बिंदु जो हमारे सामने यहाँ पर क्रियाशीलता अनुपात या आवर्त अनुपात। तो क्रियाशीलता अनुपात या आवर्त अनुपात क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक संस्था के जो उसके संसाधन है उनका जो है पूर्ण कुशलता एवं लाभदायकता से प्रयोग किया जाता है, इस बात को ये बताता है। अर्थात उस उपक्रम की, उस संस्था की जो संचालन क्षमता है वो कितनी बेहतर है। तो यहाँ पर जो है ये अनुपात जो है संस्था के विभिन्न संसाधनों का किस कुशलता एवं लाभदायकता से प्रयोग किया जाता है, इस बात को क्या है ये बताता है। इसके द्वारा जो है व्यवसाय की क्रियाशीलता और संचालन क्षमता की जांच की जाती है। अर्थात व्यवसाय जो है यहाँ पर कितना क्रियाशील है, कितना सक्षम है और उसकी जो संचालन की क्षमता है वो किस प्रकार की है, इसकी जांच जो है क्रियाशील अनुपात के अंतर्गत की जाती है। इन अनुपातों को विक्रय से संबंधित किया जाता है। यहाँ जो भी अनुपात हम ज्ञात करते हैं उसको विक्रय से संबंधित किया जाता है, क्योंकि क्रियाशीलता का जो संबंध है वो विक्रय से होता है। तथा उच्च आवर्त अनुपात का मतलब जो है परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग है और वो अच्छी कार्यक्षमता एवं लाभप्रदता को यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ जो भी अनुपात ज्ञात किए जाते हैं वो विक्रय से संबंधित होते हैं। चूंकि एक उपक्रम की जो बेहतर क्षमता की स्थिति है वो किससे है, विक्रय से जुड़ी हुई है। तो उच्च आवर्त अनुपात का यहाँ जो मतलब है कि जो संपत्तियां हैं उनका हम किस बेहतर ढंग से उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता अनुपात जो है एक उपक्रम की अच्छी कार्यक्षमता एवं लाभप्रदता को दर्शाता है। यहाँ पर क्रियाशीलता अनुपात जो है छह प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जैसे स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात के रूप में। अर्थात व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां कितनी है उस हिसाब से जो है यहाँ पर व्यवसाय की कार्यक्षमता क्रियाशीलता किस प्रकार की, स्थायी संपत्ति के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। फिर कुल पूंजी आवर्त अनुपात, जो व्यवसाय की कुल पूंजी है उसके आधार पर, और क्रियाशीलता, क्रियाशील पूंजी आवर्त अनुपात, कार्यशील जो पूंजी है एक उपक्रम की जो कार्यशील पूंजी है उसके आधार पर अनुपात ज्ञात करेंगे। तीसरा जो है कुल पूंजी आवर्त अनुपात ज्ञात करेंगे, और चौथा जो है स्कंद आवर्त अनुपात, उपक्रम का जो कंपनी का जो स्टॉक है उसके आधार पर अनुपात ज्ञात करेंगे। फिर कंपनी के जो देनदार हैं फर्म के, जो प्राप्य होने राशि उससे संबंधित आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त के आधार पर, और फिर लेनदार आवर्त अनुपात, जो लाइबिलिटीज हैं जो लेनदार हैं कंपनी के उनका आवर्त अनुपात किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम छह प्रकार से जो है क्रियाशीलता अनुपात की जांच करेंगे। तो पहले नंबर का जो है आपका स्थायी पूंजी आवर्त अनुपात, यहाँ पर जो है स्थायी संपत्ति का प्रयोग उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। अर्थात ये अनुपात हमें ये बताता है कि व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में कुल संपत्तियों का किस कुशलता से प्रयोग किया जाता रहा है। तो यह स्थायी पूंजी आवर्त अनुपात जो है वो हमें यह बताता है कि व्यवसायिक क्रियाएं जो संचालित हो रही हैं
उसमें जो व्यवसाय की उपक्रम की जो कुल संपत्तियां हैं उनका किस कुशलता से हम प्रयोग कर रहे हैं। इस अनुपात का संबंध जो है संचालन से आय की लागत अर्थात बेचे गए वस्तु की लागत या संचालन से आय बिक्री का संबंध जो है स्थायी संपत्ति से किया जाता है। यहां पर जो है संचालन से आय की लागत या बेचे गए वस्तु की लागत या संचालन से आय जो हुई है बिक्री का संबंध जो है वो किससे किया जाता है, फिक्स्ड असेट्स से, स्थायी संपत्ति से किया जाता है। यहां बिक्री का अधिक अनुपात बेहतर माना जाता है अर्थात संपत्तियों की तुलना में जो है बिक्री का अनुपात यदि अधिक है तो वो बेहतर माना जाता है, परंतु यदि वो अनुपात कम है, बिक्री का अनुपात जो है संपत्ति की तुलना में कम है, तो इसका मतलब जो है कि संपत्तियों में अधिक विनियोग कर दिया गया है। तो इस आवर्त को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या बिक्री बटे स्थायी संपत्तियां। तो स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात ज्ञात करने के लिए जो बेचे गए माल की लागत या कुल बिक्री जो है उसमें हम भाग देंगे किसका, स्थायी संपत्ति का। तो इससे जो है हमें जानकारी प्राप्त होगी स्थायी पूंजी आवर्त अनुपात की। दूसरा जो है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। ये अनुपात जो है कार्यशील पूंजी व संचालन से आय विक्रय के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। ये अनुपात जो है वर्किंग कैपिटल जो है और जो बिक्री है उपक्रम की, इन दोनों के बीच में जो है संबंध स्थापित करता है। किसके बीच में, वर्किंग कैपिटल और सेल्स के बीच में, विक्रय के बीच में। यह अनुपात हमें यह बताता है कि कितनी बार कार्यशील पूंजी विक्रय में परिवर्तित हुई। और कार्यशील पूंजी जैसा कि हम जानते हैं क्या है, चालू संपत्ति का चालू दायित्वों पर जो आधिक्य है वो क्या कहलाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। अर्थात कार्यशील पूंजी क्या है, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर जो आधिक्य है वो क्या है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो यहां पर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात हमें यह बताता है कि कितनी बार कार्यशील पूंजी जो है वो विक्रय में परिवर्तित हुई है। इसकी जो गणना की जाती है वो है क्रियाशील कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर विक्रय की लागत या शुद्ध बिक्री बटे कार्यशील पूंजी। स्टॉप करना। तीसरा बिंदु जो है कुल पूंजी आवर्त अनुपात। तो व्यवसाय की संचालन क्षमता की जांच व्यवसाय में कुल विनियोजित पूंजी से भी की जा सकती है। अर्थात व्यवसाय में जो कुल पूंजी लगाई गई है उसकी तुलना जो है यहां से हम व्यवसाय की संचालन क्षमता की जो जांच है वो किससे करते हैं, हम जो उस व्यवसाय में फर्म के द्वारा कुल पूंजी जो लगाई गई है। तो ये अनुपात हमें यहां पर जो अनुपात प्राप्त होगा वो क्या बताएगा कि कितनी बार पूंजी जो है वो विक्रय अर्थात संचालन से आय में परिवर्तित हुई। और ये अनुपात जो है पूंजी के कुशलतम प्रयोग को बताता है, अर्थात व्यवसाय में जो विनियोजित पूंजी है उसका कितने बेहतर ढंग से प्रयोग किया गया है, ये कुल पूंजी आवर्त हमें अनुपात जो है वो बताता है। इसकी गणना जो है निम्न सूत्र से की जाती है, कुल पूंजी आवर्त अनुपात बराबर बिक्री की लागत या शुद्ध बिक्री बटे कुल जो व्यवसाय की विनियोजित पूंजी है। इस आधार पर जो है हम कुल पूंजी आवर्त अनुपात की गणना करते हैं। इसके बाद चौथा जो बिंदु है वो स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक अनुपात जो है। यहां पर इसमें जो है बेचे गए माल की लागत व वर्ष में प्रयोग औसत स्टॉक के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। यहां पर जो औसत स्टॉक जो है उसके पास और बेचे गए माल की लागत, इसके आधार पर जो है स्कंद आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। इसका जो सूत्र है वो है स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत या शुद्ध बिक्री बटे औसत स्टॉक।
अब औसत स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, तो औसत स्टॉक जो है प्रारंभिक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को जोड़ के हम जो है दो का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत स्टॉक। औसत स्टॉक को जो है हम स्टॉक आवर्त अनुपात ज्ञात करने के लिए बेचे गए माल की लागत या शुद्ध बिक्री में भाग दे देंगे हम औसत स्टॉक का। तो यहाँ पर जो है स्टॉक आवर्त अनुपात जो है इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और ये चीज जो है यहाँ अनुपात जितना अधिक होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है, परंतु बहुत अधिक भी जो है अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ स्टॉक आवर्त जो है बहुत अधिक है तो इसका असर फर्म का स्टॉक का आधार क्या है, कम है, और फर्म को जो है कम स्टॉक रखने के कारण उत्पादन की समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ यदि फर्म जो है कम स्टॉक अपने पास रखती है तो उत्पादन जो है वो उससे क्या होगा, कम होगा, या उत्पादन में समस्या आ जाती है। परंतु ये भी दिखाता है कि किसी संस्था ने स्टॉक के रूप में कम पूंजी लगा रखी हो, अर्थात उसने जो है स्टॉक यदि उसके पास कम है तो इसका मतलब क्या है, उसने कम पूंजी लगा रखी। तो सामान्य तौर पर जो है स्कंद आवर्त अनुपात जो है वो जितना अधिक होता है उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि स्टॉक आवर्त यदि बहुत अधिक है तो इसका असर फर्म का स्टॉक का जो आधार है बेस जो है वो क्या है, कम है। तो ये स्कंद आवर्त अनुपात। इसके बाद जो है देनदार आवर्त अनुपात। अब देनदार आवर्त अनुपात क्या है, देनदार आवर्त अनुपात जो है शुद्ध उधार विक्रय व औसत देनदारों के मध्य संबंध स्थापित करता है, जो संस्था के उपक्रम के जिनको की माल जो है उधार बेचा गया है उनको और औसत जो देनदार है उनके बीच में क्या करता है, यह संबंध स्थापित करता है। यह आवर्त बताता है कि कितनी बार देनदार औसत रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। यह अनुपात इसके साथ साथ व्यवसाय की उधार संग्रह की नीति को कितना प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है को भी दर्शाता है। इसकी जो गणना है वो देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार विक्रय जिनको माल उधार बेचा गया है या बिक्री बटे औसत देनदार जिनसे प्राप्तियां होनी है जिनको माल उधार बेचा गया। तो यहां पर आवर्त जो है यदि अधिक होता है तो अच्छा माना जाता है, जो ये बताता है कि देनदारों से वसूली क्या है वो शीघ्र हो रही है, अर्थात यहां पर अनुपात जो है वो अधिक है तो ये माना जाता है कि देनदारों से जो है राशि उधारी की राशि शीघ्र वसूली हो रही है, और जो डूबत ऋण की राशि अर्थात देनदारों की जो डूबत राशि है वो यहाँ पर उसकी संभावना क्या है, कम है। इसके विपरीत यदि अनुपात कम होगा तो वो ये बताएगा कि देनदारों से जो वसूली है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ डूबत ऋण की जो है संभावना क्या है, ज्यादा हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार विक्रय या बिक्री बटे औसत देनदार के हिसाब से जो है हम देनदार आवर्त अनुपात ज्ञात करते हैं। और यहां अंतिम जो है लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार क्या है, यह उधार क्रय व औसत लेनदार के मध्य जो है संबंध को बताता है, अर्थात फर्म के जो लेनदार हैं जिनसे उसने उधार माल खरीदा हुआ है और जो उसके औसत लेनदार हैं इनके मध्य वो क्या है, संबंध बताता है। यह अनुपात बताता है कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत कितनी बार लेनदारों को भुगतान किया जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए जो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार क्रय इंटू क्रय आवलिक क्रय बटे औसत लेनदार। तो लेनदार अनुपात बराबर जो है शुद्ध उधार क्रय या जो क्रय जो माल खरीदा है बटे औसत लेनदार, ये इसका सूत्र है। अब यहां पर यदि प्रारंभिक लेनदारों की सूचना उपलब्ध नहीं है तो अंतिम लेनदार को ही जो है औसत लेनदार माना जाता है। लेनदारों में लेनदार व देय बिलों को शामिल किया जाता है। यहां लेनदार जो में जो है किनको, जो लेनदार हैं फर्म के और जो
डे वेल हैं जिनका भुगतान किया जाना उनको भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है। अब ये अनुपात जितना कम होगा उतना ही ये अच्छा माना जाता है, अर्थात लेनदारों को भुगतान करने का जो अनुपात जितना यहाँ पर कम होगा वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि लेनदारों का भुगतान जो है वो शीघ्र ही किया जा रहा है। तो फर्म की जो तरलता है, जो द्रवता है, उसकी स्थिति कैसी है? अच्छी है। अर्थात फर्म की जो भुगतान क्षमता है वो कैसी है, तरलता कैसी, वो अच्छी है। यदि इसके विपरीत अनुपात अधिक है तो फर्म की तरलता की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये लेनदार आवर्त अनुपात, तो इस प्रकार से क्रियाशीलता, क्रियाशील आवर्त अनुपात के अंतर्गत जो है हमने यहाँ पर छह प्रकार के अनुपात देखे। अभ्यास प्रश्न में क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात से क्या आशय समझाइए, फिर स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात से क्या आशय समझाइए, इसका सूत्र लिखिए, और क्रियाशील पूंजी आवर्त अनुपात से क्या आशय समझाइए, बस इसका सूत्र लिखिए, फिर देनदार एवं लेनदार आवर्त अनुपात से क्या आशय है समझाइए व इसका सूत्र लिखिए, और अंतिम जो है स्कंद आवर्त